नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। जैसा कि आज नव वर्ष है, 1 जनवरी 2023, जैसा कि 2022 में जो भी हमारी दिक्कत होती है, खटास होती है, अच्छी और बुरी यादों को लेकर हम नव वर्ष में प्रवेश करते हैं, और जिस दिन नव वर्ष होता है उस दिन लोग मंदिरों में जाते हैं और ये मार्गदर्शन गुरु से या फिर भगवान से लेते हैं कि हमारा आने वाला जो वर्ष होगा वह अच्छा होगा। तो अभी मैं मौजूद हूँ बड़ा गुरुद्वारा में, जहाँ पर कीर्तन का आयोजन किया गया है और सुरीली आवाज़ों से जो संत हैं, यहाँ के भक्तजन हैं, वो भक्तिमय हो रहे हैं। यहाँ पर आप वातावरण से ही देख सकते हैं, जो भक्तजन हैं लाइन से कीर्तन सुनने जा रहे हैं, वहाँ पर गुरु की जो वाणी है कीर्तन के द्वारा सुन रहे हैं। तो हम जुड़ेंगे यहाँ के कमेटी मेंबर से और जानकारी लेंगे आज के आयोजन के बारे में। सर, आपका पहले परिचय दे दीजिए। मैं गुरजीत सिंह, धर्म प्रचार सचिव और ज्वाइंट सेक्रेटरी बड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धनबाद झारखंड। आज जैसे नव वर्ष है और लोग मत्था टेकने आए हैं, आज के दिन का क्या महत्व होता है? आज नया साल भी है और साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का 356वां प्रकाश पर्व, ओरिजिनल डेट तो 29 दिसंबर को थी और हमने 1 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया बड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। और आज साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने बिहार की धरती में जन्म लिया, दुनिया उनका कभी भी कर्ज उतार नहीं सकती। हमने हमेशा सुना है लोग जमीन दान करते हैं, पैसा दान करते हैं, जायदाद दान करते हैं, सोना दान करते हैं, चांदी दान करते हैं, पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा सर्वंश दान कर दिया, तभी उनको हम सर्वंश दानी कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के इतने एहसान है, आज हमने जो बाना पहना हुआ, हमें जो 5 ककार दिए गए, वो साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दिए गए हैं। ये ककार पहनने के बाद में सच्चे रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर चलने का गुरु साहब ने हमें संदेश दिया और हम भी यही कोशिश करते हैं कि गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल करके हम अपना जीवन सफल करें। और हर सिख को गुरु महाराज जी ने यह संदेश दिया कि अपनी दसवंत जरूर निकालो, मतलब अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गरीबों में जरूर बांटो, ताकि संसार में कोई दुखी ना हो, कोई भूखा ना रहे। आज आप दरबार साहब में देख रहे हैं कि जब भी कोई भी पंजाब में किसी भी गुरुद्वारे में जाता है, पंजाब में कहावत है, पंजाब में कोई भूखा नहीं मर सकता, इसलिए कि गुरुद्वारे में लंगर चलता रहता है, कोई भूखा वहाँ पर सोता भी नहीं है। ये हमें मान है, हमें गर्व है कि गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल के सिख अपना, और यह देखें और के समाज के भी लोग हमें पुनः अपना दान करते हैं और इस दसवंत का अपना भी हिस्सा देते हैं, और ये गरीबों का भला होता है, हर समाज का भला होता है, ये गुरु साहब ने हमें संदेश दिया। जहाँ तक आज का गुरुपर्व साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का संदेश हमें है, गुरु गोविंद सिंह जी 42 साल की उम्र के थे, 42 साल में आज कोई अगर गुजर जाता है तो कहते कितनी जवानी में गुजर गया, पर गुरु साहब ने 42 साल की उम्र में जो कार्य किया, 9 साल की उम्र में सबसे पहले अपने पिता को, जब कश्मीर के पंडित आए, उन्होंने फरियाद की गुरु तेग बहादुर जी के आगे, तो गुरु गोविंद सिंह जी उखेलते हुए आए, पिताजी को देखे कि पिताजी बहुत उदास थे, बोला क्या पिताजी, क्या बात है, आप इतने सोच मुद्रा में क्यों हैं? पिताजी ने कहा, गुरु तेग बहादुर जी ने, बेटा इनके धर्म को, धर्म पर संकट आया है, एक ऐसे महान हस्ती की जरूरत है जो इनका संकट का निवारण कर सकता है। तो गुरु गोविंद राय, जिनकी उम्र 9 साल थी, कहते हैं पिताजी आपसे बड़ा परोपकारी, आपसे बड़ा हमें और कोई इंसान नजर नहीं आता, आप इनकी रक्षा कीजिए। और गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडित जो कृपा राम की अध्यक्षता में आए थे, उनको कहा कि औरंगजेब को कह दो, अगर मैं हमारे गुरु इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे तो मैं भी इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। तो गुरु साहब ने अपनी शहादत दी पर इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, और उस समय की मुगल हुकूमत अत्याचार कर रही थी। ये बात हमें पढ़ाई जाती है कि मुसलमान जो थे वो शासक, वो अत्याचारी थे, नहीं, मुसलमान जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ, गुरु गोविंद सिंह जी का जब युद्ध हुआ
आनंदपुर साहब किला जब घेर लिया गया तो 22 धार के राजे, हिंदू राजे जो खास करके आपका शिमला हिमाचल के राजे थे वो और औरंगजेब के सैनिक 10 लाख फौज गुरु गोविंद सिंह जी को घेर लिया। और एक दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ पीर बुद्ध शाह वो अपने 500 सैनिक और अपने बेटों को लेकर आया, बोला गुरु साहब मेरे सैनिक और मेरे पुत्रों को स्वीकार कीजिए कि जो आप सच के रास्ते पे हैं, सच के मार्ग में युद्ध कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मेरे बेटे मेरे सैनिक आपकी तरफ से युद्ध करें। और वो जो पीर बुद्ध शाह मुसलमानों की फौज थी वो गुरु गोविंद सिंह की तरफ होके लड़ी। तो ये हमें संदेश देते हैं कि गुरु महाराज जो थे वो किसी धर्म किसी जाति के खिलाफ नहीं, जो अत्याचार करता था उसके खिलाफ गुरु साहब आगे बढ़ के उस जुल्म को रोकने के लिए गुरु साहब का जन्म हुआ और गुरु साहब ने ये पूरी कार्रवाई की। गुरु साहब ने 5 प्यारे और सबसे बड़ी बात कि गुरु साहब ने जो हमें अमृत पान कराया, छोटी जात के जो थे उनका उद्धार किया, क्योंकि छोटी जात को कोई उस समय गुरु महाराज जी के समय में बहुत घृणा से देखते थे, पर गुरु महाराज जी ने क्या, परमात्मा ने जिसको जन्म दिया कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, और अमृत पान करने में छोटी जात वाले ज़्यादा थे और गुरु महाराज के जो सैनिक थे वो भी छोटी जात वाले थे। और जो समय के राजा थे खास करके भीमचंद फतेह चंद जो हिमाचल के थे वो कहते अगर अमृत पान कराना है तो हमारे लिए अलग से बाटा खंडे बाटे का तैयार करो, हम वो छकेंगे, इन छोटी जातों के साथ में नहीं छकेंगे। गुरु महाराज जी ने कहा ना अमृत पान होगा तो सब एक बाटे से, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। गुरु महाराज जी ने यही संदेश दिया और गुरु साहब ने यही कहा, गुरु नानक देव जी का भी यही उपदेश था, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड़िया सुख्या रीच। मैं सबसे नीची जात से जो नीची जात होती है वो मैं हूँ, मैं बड़ी जात का नहीं हूँ, मैं इंसान से प्यार करता हूँ। और गुरु महाराज जी ने जो संदेश दिया उस संदेश को लेकर के हम चल रहे हैं। आज भी देखते हैं गुरुद्वारा में सरोवर है, सरोवर में हर आदमी जाके स्नान करता है, कोई जात नहीं पूछा जाता है। लंगर जब छकते हैं गुरुद्वारे में कोई जात नहीं पूछी जाती, हर धर्म के लोग लंगर छकते हैं, मथा टेकते हैं, हर धर्म के कोई विशेष धर्म के कोई राजा महाराजा के लिए अमीर के लिए अलग लाइन नहीं होती, सबको एक लाइन में आना पड़ता है, भाव कि सब एक हैं, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। ये अगर हम अपना लें, जात पात ऊंच नीच का भेदभाव मिटा दें तो हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ेगा। कहते हैं राम राज तो ये खुद ब खुद राम राज आ जाएगा। तो जैसा कि आपने कमेटी मेंबर से सुना कि आज कीर्तन का आयोजन किया गया है और कीर्तन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि सब धर्म समान है, एकता की ओर अगर सभी बढ़ते हैं तो हमारा देश खुशहाल होगा। साथ ही साथ नववर्ष की शुरुआत इसलिए मंदिर जाकर शुरुआत की जाती है या फिर गुरुद्वारा जाकर शुरुआत की जाती है क्योंकि नववर्ष एक नई किताब है और नई किताब में कुछ अच्छी जोड़े अच्छे कर्म जोड़े जाए, यही सबका कहा जाता है, यही कहा जाता है कि आप कुछ अच्छा कर्म करें ताकि हमेशा आपकी जो जिंदगी होगी वो खुशहाल होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माहौल है पूरा भक्तिमय मना हुआ है और नववर्ष की शुरुआत सभी गुरुवाणी एवं मत्था टेक कर रहे हैं। तो आप भी नववर्ष की शुरुआत इसी प्रकार मंदिर या फिर गुरुद्वारा जाकर करें और भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करें। तो ऐसी भिन्न खबरों के लिए बने रहें मेरा मीडिया के साथ, मेरे सहयोगी अमित के साथ, मैं अंजलि, मेरा मीडिया, धन्यवाद।